नमस्कार बच्चों, मैं देव मिश्रा। आज क्लास फाइव के लिए एसएसटी में कुछ टॉपिक ग्लोब मैप खरीद कर आया हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लोब है, यह पृथ्वी का एक नमूना है। इसे कहलाने में तो कठिनाई होती है, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए एक ग्लोब ऐसा मानक बनाया गया है जो हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर महादेश, महासागर, छोट नदियाँ, झील, झरने इत्यादि हैं, उसी प्रकार ये ग्लोब पर भी सब है। इस ग्लोब को ले जाने में कठिनाई होती है, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करने में ये मात्र सक्षम है ना। इसमें कुछ ग्लोब में जो है गुण, वह कुछ दोष भी होता है, और मानचित्र में कुछ गुण है उसमें भी दोष होता है। इसी पर भाषा होती है, ए ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ अर्थ, अर्थात यह पृथ्वी का एक पूर्ण आकृति है जिसे हम लोग ग्लोब कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी घूमती है उसी प्रकार एक ग्लोब हमारा घूमता है, तो ये पृथ्वी का एक पूर्ण आकृति है। इसके बाद हम लोग आएंगे मैप पर। मैप जिसे हम हिंदी में कहते हैं मानचित्र, ए मैप इज टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। यह जो मानचित्र है पृथ्वी के किसी भाग को एक समतल कागज पर प्रदर्शित करने दिखाने की क्रिया को हम लोग मानचित्रण कहते हैं। मानचित्र, मानचित्र में से दो शब्द है, माप और चित्र। माप कर किसी स्थान का चित्रण करना मानचित्रण कहलाता है। इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी के किसी भी खंड को, चाहे वो राज्य हो, जिला हो, गांव हो, उसका ही मानचित्र अध्ययन कर सकते हैं। यह अध्ययन ग्लोब से हम लोग संभव नहीं है। ग्लोब एक संपूर्ण पृथ्वी को दिखाता है, जबकि मानचित्र किसी का भी, एक गांव का भी, एक अपने घर का भी, एक प्रखंड का भी, अपने राज्य का भी प्रश्न है। इस तरह से मानचित्र और ग्लोब में अंतर पाया जाता है। इसमें एक मेड एंड डीमेड ही है, जो गुण मानचित्र में है वो गुण ग्लोब में नहीं है, और जो गुण ग्लोब में है वो गुण मानचित्र में नहीं होता है, जिससे हम लोग इसके गुण और दोष को कहते हैं। इसके बाद एटलस, जिसे हम लोग हिंदी में मानचित्र की पुस्तिका कहते हैं। मानचित्रों की पुस्तिका को ही एटलस कहा जाता है। मानचित्र एटलस मानचित्र दो पार के होते हैं, एक फिजिकल एक पॉलिटिकल, इसे हम लोग हिंदी में भौतिक या प्राकृतिक, और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। भौतिक मानचित्र के अंतर्गत हम ये अध्ययन करना होता है कि भौतिक उसकी जो उसमें प्लांट है मानचित्र में, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, झील, झरने, जो पृथ्वी पर उपस्थित है, इस सबका चित्र होता है, सबका प्रदर्शन होता है। जबकि राजनीतिक मानचित्र में केवल राज्य की, देश की, महादेशों की, जिले की सिर्फ बाउंड्री होती है, इसे हम लोग राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। अब की का मतलब होता है कुंजी या चाबी बोलते हैं, लेकिन भूगोल के अध्ययन में, ग्लोब पृथ्वी के मानचित्र अध्ययन में एक की जो है, कलर जो रंग है, उसकी भी अहम भूमिका होती है। इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे तत्व हैं जिसे दिखाने के लिए रंगों का उपयोग किया जाता है। जैसे पानी को दिखाने के लिए नीले रंग का उपयोग करते हैं, खेत खलिहान बाग बगीचों दिखाने के लिए हरे रंग का उपयोग करते हैं, पहाड़ को दिखाने के लिए गहरे भूरे रंग का उपयोग करते हैं ना। उसी प्रकार कई प्रकार को दिखाने के लिए अलग अलग रंगों का उपयोग किया जाता है। मानचित्र में दिशाएँ होती हैं। आप यात्रा के समय कहीं जा रहे हैं तो कैसे आप जानेंगे कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, उसके बिना आप भटक सकते हैं। अतः यात्रा क्रम में मानचित्र की एक अहम भूमिका होती है जो आपको सही मुकाम पर पहुंचा सकता है। किसी मानचित्र के सबसे ऊपर में टॉप पर नॉर्थ इंडिकेट होता है, अर्थात वह उत्तर दिशा को दिखाता है, उत्तर किधर है। ठीक उसके अपोजिट नीचे की ओर साउथ, राइट की तरफ ईस्ट, और वेस्ट तरफ लिखा होता है। इस तरह से मानचित्र में सभी दिशाओं का वर्णन अलग अलग किया जाता है, इसे हम लोग की कहते हैं। किसी ही मानचित्र में नॉर्थ इंडिकेट दाएं तरफ मानचित्र के सबसे ऊपर में ही दिखाया जाता है, ये उसका नियम होता है। हालांकि किसी मानचित्र में आपको ईस्ट, वेस्ट और साउथ नहीं होता है, अधिकांश देखें तो नॉर्थ इंडिकेट होता है। नॉर्थ एक हो गया तो आप खुद समझ सकते हैं किधर इसका साउथ होगा, किधर इसका ईस्ट, किधर वेस्ट होता है। इस प्रकार से मानचित्र और ग्लोब के बारे में हम लोग अध्ययन किए, और इसके साथ ही हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो इसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आपका होमवर्क है,
व्हाट इज ग्लोब, ग्लोब क्या है, व्हाट इज ए मैप और मैप क्या था, दोनों की परिभाषा क्या है, मानचित्र क्या है और ग्लोब क्या है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।